झांकियां निकलने लगी हैं और झांकियों की अगवानी के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, वेद प्रकाश गुप्ता जो यहां के विधायक हैं, और ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं, उनको आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे। जयवीर सिंह जी, मुझे ये बताइए कि इस बार अयोध्या में जो झांकी निकाली जा रही है, क्या विशेषता है इस बार खास? देखिए, पहले 11 झांकियों का रहता, 5 झांकियां डिजिटली तैयार करके और बढ़ाई गई हैं। आज के सारे कार्यक्रम नया स्वरूप देने जाएंगे। भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी पहली बार इस कार्यक्रम में भागीदारी करेंगे। पहली बार वो गुरु वशिष्ठ की भूमिका में भगवान राम का राज तिलक करने का काम करेंगे। पहली बार हम 17 लाख से ज़्यादा दिए जला करके विश्व रिकॉर्ड का नया कीर्तिमान बना के स्थापित करेंगे। पहली बार 10 राज्यों का या रामलीला के कलाकारों के द्वारा कार्यक्रम लिए जा रहे हैं, 8 देशों के कार्यक्रम लिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अलौकिक भव्य दिव्य कार्यक्रम त्रेता युग की याद दिलाएगा, जब भगवान राम अयोध्या पर लंका पर विजय प्राप्त करके अन्याय पर न्याय की विजय प्राप्त करके जिस तरीके से यहाँ आए थे और जिस भव्यता दिव्यता के साथ अयोध्या वासियों ने उनका स्वागत किया था, उनको एक बार पुनः चरितार्थ करेगा, एक बार पुनः राम के रामत्व का संदेश पूरे विश्व में इस अयोध्या की धरती से जाएगा, जो निश्चित रूप से विश्व गुरु की भूमिका में होगा। सनातन धर्म की परंपराएं, उनके आदर्श और राम का रामत्व, उनका जीवन, कृतित्व, व्यक्तित्व की छाप पूरे दुनिया में जाने का काम होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये जयवीर सिंह है जो उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन मंत्री है। उनका ये कहना है कि इस बार भी अयोध्या में जो दीपोत्सव का आयोजन है वो पिछली बार की तुलना में कई गुना भव्य होगा और उसका संदेश और संकेत समूचे विश्व में जाएगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या न्यूज़ 20।